थोड़ी देर बैठ के तो खानदान के स्टेटस ही देख लेती हूँ, और साथ में फातिमा की टिकटॉक्स भी। इन्ना सोना, इन्ना कूल मुंडा, इन्ना वंडरफुल। मम्मी बाहर खेलने जा रहा हूँ। नहीं, पहले अपना होमवर्क कर। यार कर लिया होमवर्क, जब दफा जा। ऐसे मुंडे तो बाहर फिरन तो इलावा कोई काम ही नहीं हैगा। यार ये लड़कियां कितना वेट करवाती हैं। अगलावा मजबूरी नू आन जान ती पसूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराए जानू कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी एकदम फिट। हाथ पकड़ाओ ना, थोड़ी रोमांटिक बातें करते हैं। तुम्हें रोमांटिक बातों की पड़ी हुई है? मेरे घर पे रिश्ते आ रहे, कुछ करो यार। मैं सबकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन प्लीज कुछ करो। क्या करूँ जानू? मेरी अम्मी को इम्प्रेस करो यार, और क्या करना है? मैं कैसे इम्प्रेस करूँ? खाली जानू जानू करने से कुछ नहीं होता। मैं तो अभी कुछ कमाता भी नहीं हूँ। मेरे पास एक आइडिया, मैंने आज अपने हाथों से चिकन सैंडविच बनाया और अम्मी के हाथों तुम्हारे घर पे भिजवा रही हूँ, ठीक है? साथ चिकन सैंडविच खाना और मेरी अम्मा को इम्प्रेस करो प्लीज। ये ठीक है, चिकन सैंडविच भी खाऊंगा, आंटी को भी इम्प्रेस करूंगा और तुम्हारा हाथ भी मांगूंगा। हाँ, इससे पहले कोई और ले जाओ, जाओ यहाँ से। चल मुंह हाथ धो, रोटी सालन देती हूँ तुझे। मैं तो चिकन सैंडविच ही खाऊंगा। तेरे प्यो ने चिकन सैंडविच बनाया है? आलू मुंगरे बनाया, चुप करके खा। मेरा चिकन सैंडविच आ रहा है। खबरदार, तू बाजारों में मंगवाया कुछ? अल्लाह की तरफ से आ रहा है। तू पागल हो गया? ए मुंडा बारो फेर के आंदा है, एने ते होश नहीं टिकाने रहंदे। ये नहीं कि माँ ने आलू मुंगरे बनाया तो खा लूं। मैंने नहीं खानी आपकी सब्जी। पता नहीं क्या टोटके लगा के सारा दिन सब्जियां बनाती रहती हो, आलू मुंगरे, आलू चने, आलू गोश्त, आलू ये। घर की सब्जी तेरे ने नक ते नहीं बहंदी। घर की मुर्गी दाल बराबर। चिकन खाऊंगा, चिकन अपनी गंदी हुंदी सी चढ़ तकरा बनावे। मम्मी बाहर सासू माई है। मेरा मतलब वो जो 5-6 मोहल्ले छोड़ के आंटी नहीं रहती, वो आई है। अच्छा, वो बाजी आई है। कपड़े चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। लगता है कोई घर पे नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। खैर खैरियत से आना हुआ? मेरी बेटी ने ना चिकन सैंडविच बनाया था, मैंने कहा चलो आपको भी टेस्ट करवा दूं, हम सायों के भी कोई हकूक होते हैं। नहीं नहीं अच्छा किया आप ले आई, मैंने भी आज आलू मुंगरे बनाए हैं, आपको दूंगी। माशाल्लाह आपके हाथ में टेस्ट ही वैसे बहुत है। हाँ इसकी आखिरी किस्त देख रही हूँ, आज खत्म हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा बाजी, परीजात की क्या शख्सियत डाली है अंदर, मेरे तो बड़ा ही सोना लगा मुंडा अंदर। माशाल्लाह मैं तो उसकी इतनी बड़ी फैन हुई बैठी हूँ परीजात की। ले मुझे खुद वो बड़ा अच्छा लगता है, अंदर कितने लोगों ने उसके साथ कितना बुरा किया है। मजाल है उसने आगे केक भी जवाब दिया हो। उसने आजमाइशों का सामना किया ना, अल्लाह सबको इतना सबर दे। वाकई बंदे ने बड़ा सबर किया। उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया? अल्लाह माफ करे तो। बेचारे ने मुड़ के आगे से जवाब नहीं दिया। मैं तो ऐसे ना अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ रही हूँ परीजात जैसा। हाँ हाँ घंटी बजे जिंगल 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 जिंगल। अच्छा किया, मैं भी फातिमा के लिए ऐसा ही कोई लड़का ढूंढ रही हूँ। बड़ा अच्छा है बाजी, मुझे तो उसकी क्या शख्सियत, आगे से बोलता तक नहीं, औरतों की कितनी इज्जत करता है। माशाल्लाह आजकल के दौर में ना ऐसे लड़के ही ठीक रहते हैं। ऐसे ही ठीक रहते हैं बाजी। चालाक तो बहुत हूँ, अब परीजात बनता हूँ और आंटी को इम्प्रेस करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही परीजात बनूंगा। क्या इश्क वो निभाएंगे, कितना
क्या गंद मचाया हुआ इस फातिमा की बच्ची ने पूरे कमरे में। कोई ना ब्राउन सी फाउंडेशन देखता हूँ और लगाता हूँ, ऐसा ही बनूंगा, ऐसा ही। लगा रहे लड़के लगा रहे। बाजी तानू ते गल दसना भूल गई मैं। हाँ और जरा परिजात दा आखरी सीन नहीं हैगा। हाँ जे एंड हाथ फेरा नाला। हाँ 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 ओ फना मूवी दा कॉपी कीता है पूरा डायरेक्टर ने। ये क्या कह रहे हो बाजी? मैं ओ फिल्म नहीं देखी ते मेनू नहीं पता। पूरा परिजात बनूंगा परिजात। बाजी सिनेमा चलाई सी इन्होंने आखरी किसी और की पैसा कमाने दा गंदा तरीका। बाजी मेनू जेड़ा ड्रामा पसंद आंदा है ओंदी आखरी ते पहली किस्त सिनेमा च। पहले मेनू मेरे पास तुम्हो पसंद आया ओंदी आखरी किस्त सिनेमा च। फिर मेनू संगे मां पसंद आया ओंदी पहली किस्त सिनेमा च। फिर मेनू परिजात पसंद आ गया ते ओंदी आखरी किस्त सिनेमा च। असि इथे खाए पिए के सिनेमा च जाके पैसे देईए। नोट छापन दा तरीका होंदा इना दा। ड्रामिया दी एपिसोड कौन सिनेमा च लांदा है? ये क्या बन गया हूँ परिजात बनने के चक्रों में यार। एक लड़की के पीछे क्या क्या करना पड़ता है। मोहब्बत करना आसान थोड़ी ना इस दुनिया में। मैं भी फिर फातिमा नु क्या, मैं क्या रहन दे टीवी ते आ जाएगी आपा घर बैठ के देख लवांगे। देखो टीवी ते लग ते होएगी। मैं भी टीवी ते देखी है। पैसे कौन लाए और की असि पैसे दे के सिनेमा च जाइए। ये क्या बन गया हूँ मैं, सही से परिजात बना ही नहीं जा रहा यार। बाजी मेनू परिजात ड्रामे दी ना एक चीज बस बहुत बुरी लगी है। उंज कहंदे ने खुदकुशी हराम है, खुदकुशी हराम है। तेनू माल इजाज फड़दा बंदूक ते गोली मार लैंदा। अल्लाह माफ करे ते नाल आदी बुड्ढी ने भी मार दिंदा। हां ते ऐ सिखा रहे ने सानू ड्रामिया दे विच कि आपस च गोलियां मार लो। निकल नू मेरा मुंडा देखेगा ते की कहेगा, कुड़ी नहीं लब्भी ते कुड़ी पिछे गोली मार लो। ये ठीक है ना कलर? अब लग रहा हूं पूरा परिजात। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਬਾਜੀ ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖੁੱਤੀ ਦੇ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਐਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਏ। ਲੈ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰਿਜਾਦ ਨਾ ਕਰੀ। ਲੈ ਐ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਿਜਾਦ ਵੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾੜਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਗੁੱਸਾ, ਐਡੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭਾੜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ। ਅਬ ਤੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਆਂਟੀ ਕੋ ਪਰਿਜਾਦ ਜੈਸੇ ਲੱਗੇ। बहू नी तू काम लेके आनी बाजी हूं ताडा भी मुंडा है। बिलकुल परिजात का छोटा भाई लग रहा हूँ। अब जल्दी से मूंछ लगा लेता हूँ और पापा के कमरे से उनकी शलवार कमीज पहन लेता हूँ। फिर आंटी के सामने जाऊंगा उनको इंप्रेस कर दे। भाई ऐसे देखिए आपका भी बेटा है माशाल्लाह से। आप कितनी अच्छी शख्सियत की हो। मैंने कभी आप में एटीट्यूड नहीं देखा माशाल्लाह। मेरी बाजी ये गुनाह है सारी चीजें। मैंने कोई कसर नहीं छड़नी, नाक कटा के ही रहेगा मेरा। बंदर जिया बच्चा है बच्चा है। बाजी मैं तो परिजा जैसा लड़का ही ढूंढ रही हूँ। मैं भी फातिमा के लिए ना कोई अच्छे से घर का रिश्ता ढूंढ रही हूँ। यूनिवर्सिटी क्लियर हो तो मैंने कहा निकले अपने घर को। बाजी इस तरह ही होता है, लड़कियों को ज्यादा देर घर नहीं बिठाना चाहिए, बेटियों को जल्दी रुख्सत कर देना चाहिए। अल्लाह बस इनकी नसीब अच्छे करे। हाँ वो तो अलग बात है। हाय 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 मैं भूल गई बाजी, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। हाय बेटा कोई काम है आपको? बेटा कुछ बोलो। मैं तो पहले डर ही गई, मुझे लगा सर्दियों में पता नहीं इतनी धूप से क्या आ गया। आंटी आपको एक शेर सुनाऊं? जी। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास आके देखा तो गंजे उछल रहे थे। अल्लाह माफ करे, इससे घटिया शेर मैंने आज तक नहीं सुना। चलो वो चिकन सैंडविच लेके आई है, मैं उन्हें आलू मुंगरे डाल देती हूँ प्लेट में, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आंटी आप इसे जानती हैं? हाय अल्लाह ये तो अपना परिजाद है, मेरा फेवरेट। इसके जैसा नहीं लग रहा आंटी। बेटा आपका दिमाग तो नहीं खराब? मेरा परिजाद कहने का ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था उसकी ऐसी दौलत भी हो आपके पास। हाय उनके लिए बोतल भी डाल लो। आंटी मेरा यहाँ आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी का हाथ मांगना है। हाय मैं मान गई, मेरी बेटी दा रिश्ता। उठ
तुझे सोच भी कैसे आई कि तू मेरी बेटी का हिस्सा लेगा? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म गए हाथ दी बदतमीज ना होते उन तो मैं दुबई का हिस्सा कर चुकी हूँ। काम में देर कर देता हूँ। बाजी आप टेस्ट करके बताना मैंने बड़े। हर काम में देर कर देता हूँ, हर काम में किसी का हाथ मांगना। पागला ना कर, बाजी मैं चली है, मैं नहीं इधर रहना। आप कहाँ जा रही है? मैं आपके लिए लेके आई थी जूस और ये। नहीं 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 बाजी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं भी इस घर से जा रही हूँ, मैं भी यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी। इस लड़के ने जो हरकत कर दी है ना, मेरा मीटर घुमा दिया। ऐसा क्या हो गया? एक सेकंड रुके, ऐसे की गुस्सा खाने की क्या बात हो गई? ये तो बच्चा, क्या हो गया? बच्चा तो मेरे हाथों, बदतमीज। बाजी रुके, सुनो, मेरे से नफरत ना करना। ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी? मेरी यादों से कभी नफरत ना करना। क्या कहा है आंटी को? ऐसा वो चली गई है? यार मम्मी उनकी बेटी का रिश्ता मांगा था सर, थप्पड़ मार के चली गई मुझे। और तेन शर्म नहीं आती? तू पागल है गए? और जाके पूरे महल्ले च मेरी बेइज्जती करेगी तो क्या करूँ मैं? उससे प्यार करता हूँ। आ लेने तेरे प्यो नू, मैं दस नहीं आ रात नू। शर्म नाम की तेरे में चीज नहीं है, किसी की बहन बेटियों के साथ ये हरकतें करते हैं? तफसा पे है तू ते। बगैरत। ले गई आधा चिकन सैंडविच भी नाल, खा ले तू आलू मुगरे। इश्क में क्या गुजरी है, ना पूछ पनी सा।